हाय गाइस, मैं हूँ कार्तिक चौहान और आप देख रहे हैं कार्तिक चौहान चैनल पे नया वीडियो। तो अपन आ गए हैं नए साल के पहले व्लॉग के साथ और इस व्लॉग में मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ शिरडी। तो भाई अपन ऑलमोस्ट तैयार हो गए एंड अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। ट्रेन जो है ना, ये वही वाली है जो अपना सबसे पहला व्लॉग था ना, ट्रैवलिंग वाला, मुंबई टू पूना लोनावला एंड बैक। तो उसमें जो हमने ट्रेन ली थी ये वही है, वो एक्चुअली शिरडी स्पेशल है। तो वो लेंगे और वो सुबह 9:30 तक पहुँचा देगी। तो अभी फटाफट से बाकी की तैयारी करते हैं और जर्नी को शुरू करते हैं। फाइनली यार ट्रेन तो मिल गई टाइम से, अपन अपने डब्बे में भी आ गए। अभी बस ट्रेन चलेगी और अपना शिरडी तक का सफ़र शुरू होगा। रिटर्न भी ट्रेन से ही आना है और रिटर्न आने का आई गेस 10:30 बजे का है ट्रेन शिरडी से, और वो यहाँ पे सुबह 4:30 तक पहुँचा देगी। तो देखते हैं अभी ये ट्रेन का एक्सपीरियंस कैसा होता है। नया साल का पहला ट्रिप, उसमें भी साई बाबा के दर्शन। आई डोंट थिंक इससे बेटर यू नो ब्लॉगिंग फॉर 2022 स्टार्ट हो सकता हूँ। आइटम में अपने पास क्या क्या है, एक बर्बन है, सॉरी दो बर्बन और दो मोनाको बिस्किट्स है, पिलो। अभी इसको बुलाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कितना सक्सेस मिलता है। तो वही अब अपन अपना बिस्तर लगाते हैं, जहाँ पे भी अपने को पूरा रात निकालना पड़ेगा लेटे लेटे। अभी बस चादर वादर लगा के अपना बिस्तर सेट करते हैं। तब को मैं यहाँ पे रख देता हूँ सो दैट यू कैन एंजॉय। सुबह के कितने 7 बजे और अभी बेलापुर स्टेशन आएगा जो 7:30 बजे का टाइम है उसका, एंड फिर 9:35 को अपन पहुंचेंगे साईनगर शिरडी स्टेशन। बिट्स एंड पीसीस में नींद आया मेरे को लिटरली, बट यह है कि मौसम अच्छा था, मतलब अंदर एकदम से उतना ठंडी भी नहीं है, दांत कांपने लगे, तो निकल गया था टाइम अच्छे से। अभी तो सुबह हो गई है, अभी ये बस चाय वाले अंकल का वेट है कि जैसे ही दिखे तो बुलाए और चाय वाय पिए, और उसके बाद में फिर थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे अपन शिरडी। अभी हम लोग पुनटांबा जंक्शन के यहाँ पे रुके हुए हैं और अभी यहाँ पे इंजन चेंज होगा तो हाफ एन आवर रुकेगा ट्रेन, एंड एक बार इंजन चेंज हो गया तो फिर सीधा शिरडी रुकेगी गाड़ी। हाँ मस्त ठंडा तो रखा है एकदम। नया आइटम दिखा है यहाँ पे, कोच मित्र। तो भाई फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं शिरडी और अभी बाहर जाएंगे और यहाँ से फिर जाएंगे वहाँ पर जहाँ पे हमने स्टे लिया है। देखते हैं अभी ऑटो मिलता है या टैक्सी, देखते हैं बाहर क्या है। ये रहा स्टेशन पूरा, अच्छा है बहुत, मतलब बड़ा भी है। यहाँ पे एक और ट्रेन लगी हुई है, ये भी शिरडी एक्सप्रेस ही है, बट ये आई थिंक आंध्र प्रदेश साइड से कहीं से तो आई है। काकिंडा पोर्ट से आई है ये, काकिंडा पोर्ट टू साईनगर शिरडी। हाँ भाई आके तो मतलब ऐसा अच्छा लग रहा है ना एकदम से, कि क्या ही बताओ, लाइक हैप्पी हैप्पी फीलिंग। और अभी लेट्स गो आउटसाइड। अभी अपन यहाँ से निकल रहे हैं, ये यहाँ का रिक्शा स्टैंड है, यहाँ से रिक्शा मिल जाती है, बाकी अगर नहीं लेनी तो चल के भी जा सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिप पे ट्राई करेंगे चल के जाने की और देखेंगे
अगर ऐसा मौसम मिलेगा तो डेफिनेटली चल के ही जाऊँगा नेक्स्ट स्टेप में। बट यहाँ से क्या एक आइडिया आपको भी लग जाए, बजट की सारी डिटेल्स इवेंचुअली लास्ट में आ जाएंगी वीडियो पे। पहुँच गए हैं अपने यहाँ पे द्वारवाटी भक्त निवास, यहीं पे रुके हैं अपन। अभी रिक्शे का 150 रुपीज़ हुआ है। चलो अंदर जाते हैं फटाफट। तो ये रहा अपना रूम 124, और इसका जो पावर ग्रिड है वो यहाँ पे, मतलब जो मेन स्विच होता है वो यहाँ पे। ये रहा बेल, और अभी अपन चलते हैं अंदर। अलग टाइप का ताला मिला है मुझे। ये ताले की खासियत क्या है मैं बताता हूँ। अब ये लॉक है, ठीक है। अब इसको अपन करते हैं अनलॉक। एक सेकेंड, हो गया अनलॉक, ठीक है। तो बेसिकली सीन ये कि अगर आप इसको चाबी लगा के लॉक करोगे तो ये पूरे को लॉक कर देता है। अभी कैसे जाएगा अंदर? हाँ, तो ये पहले आप ऐसे लगा दो, उसके बाद में इसको आप लॉक कर सकते हो। ये हो गया लॉक। अब इसको आप कितना भी कर लो नहीं हो। तो ये नया टाइप का ताला मेरे को यहाँ पे मिला। फाइनली रूम मिल गया है। रूम टूर तो आपको अभी करवा ही दिया है, और मैं आपको बताऊं ये जो रूम है ना, ये हम लोग 500 रुपीज़ में मिला है खाली। अभी जो ये ट्रिप है ये मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ कर रहा हूँ, पापा और सिस्टर है साथ में। तो 150 रुपीज़ अभी तक रिक्शे का हुआ और 500 रुपीज़ इस रूम का हुआ है। और ये जो जगह है ये साई बाबा ट्रस्ट की है, भक्त निवास है यहाँ का। तो जब ऑनलाइन देखा था तो काफ़ी अच्छी लगी थी ये जगह, एंड थैंकफुली हमें जो कमरा मिला है वो फर्स्ट फ्लोर पर ही मिला है, और लेफ्ट और स्टेयर्स के एकदम बगल में। तो ऊपर नीचे करने के लिए इट्स ईजी। सामान थोड़ा सा है साथ में, क्योंकि ठंड का टाइम है तो यू नो गर्म कपड़े और तकिया वगैरह वो सब लेना था। अभी तक तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आया नहीं है जहाँ पे कि हमें यू नो हमारा RT-PCR टेस्ट या कोविड, बेसिकली कोविड की रिपोर्ट दिखानी पड़ी हो नेगेटिव वाली। सो अभी तक तो एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ रहा है। बाकी देखते हैं, अगर कहीं पे पूछते हैं तो आपको अकॉर्डिंगली मैं वैसे ही अपडेट कर दूंगा। सो फार एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ही जर्नी रही है। हमने ट्रेन बोर्ड की, हम शिरडी उतरे और फिर हमने यहाँ पे चेक इन किया। अब नेक्स्ट स्टॉप होगा साई बाबा के दर्शन, तो वो अभी मैं आपको करवाने वाला हूँ। उससे पहले शायद हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके, अभी तो पहले होना है फ्रेश। तो चलो मैं होता हूँ फ्रेश, एंड मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में। थैंक यू।
तो इस समय आप द्वारवाटी भक्त निवास का जो एसी नॉन एसी रूम और बाकी सारे चार्जेस की लिस्ट देख सकते हैं, एज वेल एज आरती वगैरह और उससे रिलेटेड गाइडलाइंस भी। इनका अपना गूगल प्ले पर ऐप भी है जो कि अब आपके स्क्रीन पर आएगा, ये आप डाउनलोड करके यहाँ से आप रूम बुकिंग, आरती की स्लॉट बुकिंग सब कुछ एक ही जगह से कर पाओगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको क्या क्वेश्चंस या क्वेरीज है, या आप मुझे और क्या क्या कवर करते हुए देखना चाहते हैं, एज वेल एज इस वीडियो को शेयर तो ज़रूर करें। साल की पहली ट्रिप है एंड इस साल होपफुली और भी ट्रिप्स पर जाएंगे और आपको भी साथ में लेकर जाएंगे। थैंक यू।